आपको मैं एक एक ब्रांड का एग्जाम्पल देता हूँ। कहीं पर भी हमारा एलिवेरा, चाहे वो ये छोटी सी छोटी दुकान, वहां पर भी अब इसकी डिमांड है। आप लोग अभी देखो, कुछ लोग ना बोलते हैं ये स्लो मूविंग है, ये फास्ट मूविंग है। पतंजलि का कुछ भी स्लो मूविंग नहीं है। पतंजलि का जो को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो स्लो और फास्ट है। पतंजलि का जो ब्रांड है वो कोई स्लो मूविंग नहीं है। उसको रिप्रेजेंट करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एसओ, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो सेल्समैन है, डीएसएम है, वो स्लो या फास्ट है। पतंजलि का कोई चीज स्लो फास्ट नहीं है, वो तो सारे फास्ट है। जब बाबा फास्ट है तो जो बाबा के पीछे लगा है सब फास्ट ही फास्ट है। उसमें कोई स्लो नहीं है। स्लो शब्द हमारे यहाँ पर उसके लिए, जैसे मैं आज से करीब 10 साल पहले बाला साहब ठाकरे से मिला तो उनके यहाँ एक प्लेट लिख करके रखी हुई थी, नो एंट्री फॉर नो। जो उनको जानते हैं उनको पता है, उन जो बैठते थे उनके, वो ऐसे थोड़ा सिंहासन टाइप पर बैठते थे और उसके सामने एक वीडियो प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था, मैं ये दिस इज नॉट जोक। वो अभी उद्धव जी ने हटा दी वो प्लेट। उनके पिताजी तक बाला साहब ठाकरे थे, मैं 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई, नो एंट्री फॉर नो, तो नो एंट्री फॉर स्लो। यहाँ स्लो स्लो वाला हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है। हम उस चलना ही नहीं आता। हम चले भी तो हमको ऐसे चलने के लिए बोले ना तो हमको ऐसा लगता है हमारे पैरों में बेड़ियाँ बांध दी। हमको चलना भी आता है तो ऐसे ही आता है, इसे धीरे आता ही नहीं, क्या करें। अब भगवान ने स्पीड ही ऐसी बांध रखी। तो आप लोग भी फास्ट चलने के लिए तैयार हो? चलो तो अपने लिए जोरदार एक बार ताली बजाओ। मैं सुना वैसे भी मुंबई के लोग हो, तुमको भी धीरे चलना पसंद होगा ही नहीं। तो ये एक एक ब्रांड, ये हमारा जो, मैं इसके बारे में फिर पूरा विस्तार से चर्चा कर लूंगा, इसका हर एक SKU, वो सब कोई स्लो मूविंग नहीं है, सबका एड कैंपेन तैयार है। करीब 20-25 नए एड कैंपेन बनाए और पुराने 20-25 जो पुराने एड कैंपेन चल रहे थे उनको नई फिल्म बना दी उनके ऊपर। आप ये सोचो कि करीब 50 से 60 नई एड फिल्म पतंजलि की बनी है। ये किसी कंपनी में नहीं होता और हम ये किसी को बोलते भी नहीं है। और इसमें बहुत से लोग तो अभी यही सोच रहे हैं, वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां वो यही सर्वे करने में लगी हैं, ये पतंजलि की स्ट्रेटेजी कौन बनाता है। ये बोले बाबा जी, तो बाबा जी इनको क्या पता है बिजनेस कैसे ड्राइव होता है। मैंने कहा ठीक है बेटे, भजन करता रहा, अभी अनुलोम विलोम करेगा थोड़े दिनों में। तो ये केश कांति, चाहे शैम्पू है चाहे इसका शैशे है। अभी हमारा केश कांति कितने तरह का आता है? केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति प्रोटीन, केश कांति एंटी डैंड्रफ, केश कांति शिकाकाई, केश कांति रीठा, केश कांति कोकोनट हेयर वॉश और केश कांति सिल्क एंड शाइन। कितने हो गए? 8। 8 तरह के तो हमारा केश कांति का है। अभी वापस होम केयर में जाऊंगा तो 8 ही तरह का हमारा दंत कांति है। दंत कांति नेचुरल, दंत कांति फिर जूनियर, दंत कांति जो है उसमें मेडिकेटेड, दंत कांति एडवांस, फिर दंत कांति अभी एक्टिव फेशियल, बहुत ज़बरदस्त क्लोजअप तो क्लोज होने वाला है उसके आने के बाद, इतना ज़बरदस्त है। फिर दंत कांति रेड पेस्ट, दंत कांति एलोवेरा पेस्ट और दंत कांति एडवांस मंजन, उसमें भी 8 ब्रांड है। फिर इसमें इसके अभी छोटे थे और अभी ये बड़े भी। अब ये हमारा ये इसका कॉस्ट 150, इसका 150 रुपये, हमारे का 150 रुपये, कोई भी मार्केट में 250-300 रुपये से कम नहीं है। तो 100 रुपये जब किसी को बचेगा तो ये पतंजलि का ये फैमिली पैक भी चलेगा ही नहीं, ये दौड़ेगा, इतना जबरदस्त है। 100-100 रुपये के लोगों को बचाता है। और अल्टीमेट है, लोगों को जिनके केमिकल वाले शैम्पू यूज कर करके लोगों के बाल चले गए थे, इससे खेती दोबारा आ रही है लोगों की, इतना जबरदस्त। फिर ये पूरे के पूरे कंडीशनर्स शैसे उतने ही ज़्यादा। तो ये अब जैसे हमने ट्राई के तौर पर ये सिल्क एंड साइन बहुत वर्षों से रिसर्च करके इसको तैयार किया, मार्केट में ट्रायल के लिए भेजा, इसका 100% रिजल्ट है, 99 नहीं, इतना ज़बरदस्त है पूरा। तो ये शैशे भी अभी 2 करोड़ की तो कैपेसिटी इसकी है, 5 लाख डेली की इसकी कैपेसिटी है, 50 लाख की हमारे जो दंत कांति बड़ा ब्रांड है, 50 लाख ट्यूब रोज बनाने की कैपेसिटी। और ये आज कोलगेट के पास में भी नहीं है, ये आपको फक्र होना चाहिए।
तो पहली बात तो ये होती है, आदमी को इतना दिमाग तो हो कि मुझे 50 लाख ट्यूब बनाने की कैपेसिटी। तो जब मैंने पहली बार ये प्रस्ताव रखा तो हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं जो है ये बेचारे जो है ना, इनको पहले तो हिसाब किताब ही नहीं करना है। बोले 50 लाख ट्यूब, इस देश में 100 करोड़ सवा 100 करोड़ आदमी हैं, कितनी ट्यूब मिनिमम लग सकती हैं? ये तो बोलो कैलकुलेशन ही नहीं, फेल हो रहा है। मैंने कहा तू जो मैं बता रहा हूँ उसको कर ले, ये फेल नहीं पास होगा। तो मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पतंजलि जिस विजन के साथ काम कर रहा है, उस विजन को आपके भीतर उसकी आपको समझ होनी चाहिए और उसी स्पीड से फिर आपको बढ़ना है। तो ये इस पूरे वर्टिकल का जब हम सैंपल के साथ मार्केट, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं कि पतंजलि का बॉडी लोशन, ये छोटा पैक बड़ा पैक, 3 पैक तो देखो आपके सामने है, ये हमारा इसका प्रीमियम पैक है, ये छोटा पैक है, ये बड़ा पैक है, और इस छोटे बड़े पैक के साथ अब इसका ये फैमिली पैक भी आ गया है। अब ये इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा प्राइस, अभी हमारे, मैंने कहा था फोन नोट फोर के दोनों आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी कैटलॉग भी बन रहा है, कैटलॉग में हर एक प्रोडक्ट के नीचे उसकी सेलिंग स्टोरी लिख रहे हैं, उसका जो है USP लिख रहे हैं कि इसके अंदर हमने जो है क्या नई चीज़ इसके अंदर हमने डाली, क्या नया इनोवेशन किया। तो एक तो इनोवेशन वाला पॉइंट, आजकल बोला जाता है किसी भी चीज़ के लिए कि हमने इसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या किया, तो वैल्यू एडिशन बोलो, इनोवेशन बोलो। वैल्यू एडिशन इनोवेशन वाला पार्ट डालना है, MRP वाला पार्ट डालना है इसके अंदर, और MRP और वैल्यू एडिशन के साथ साथ में फिर जो है हमें इसके अंदर जो एक कोई ना कोई एक नई चीज होती है, 2 से 3 चीज एक एक प्रोडक्ट के साथ ढलेंगी, आप उसको कितना बड़ा कर सकते हैं उसको मतलब सोच भी नहीं सकते। तो ये हर एक प्रोडक्ट के बारे में, चाहे कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने कहा हमारे शैम्पू करीब करीब जो है उनसे 25 से लेकर के 50% तक सस्ते हैं, इसी तरह से हमारी ये सारी की सारी चीज़ें, हमारी ब्यूटी क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, ये हमारी गोल्ड क्रीम है, ये सारी के सारी, ये बॉडी बटर है जो हिंदुस्तान में पहले कोई देसी कंपनी बनाती नहीं थी, विदेशी कंपनियाँ भी विदेश से लेकर के आती थी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, ये पहली बार हमने ये जो है कोकोनट बॉडी बटर भी निकाला है, ये हिंदुस्तान की कोई कंपनी इस तरह से काजल बनाती नहीं थी, अब इसको ठीक है इसको पेंसिल में भी लेकर के आ रहे हैं, वो दूसरा भी है, लेकिन ये इस रूप में भी काजल चलती है, अभी भी चलती है। तो इस तरह से सारी चीज़ों का, फिर ये मैंने कहा इसमें हमारा दंत कांति अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारा साबुन अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, वो खाली जो है 3 साबुन नहीं है कि एलोवेरा, नीम, हल्दी चंदन और जो है नीम, इसके अंदर सारे हमारे एक्वाफ्रेश से लेकर के मोगरा से लेकर के मिंट तुलसी से लेकर के, फिर इसमें जो हमारा सैंडल सोप है और जो हमारा ये क्रीम सोप है, फिर ये हमारे जो है होम मेड सोप हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं पूरा, इसमें करीब 40 से 50% तो कोकोनट और बाकी नेचुरल ऑयल्स, ऑयल सोप ही है एक तरह से पूरा। फिर 3 तरह के वाशिंग पाउडर टिकिया हैं, फिर इसमें सोमे लिक्विड डिटर्जेंट भी है, इसमें बीच में लोगों की शिकायत थी कि कुछ मंजन आना कम हो गया, तो मंजन भी सब लोगों को पूरा मिलेगा, सारा टूथपेस्ट के नए वेरिएंट अभी सब इस महीने नए सारे 8 के 8 वेरिएंट आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे इसके जो है दंत कांति के। हमारा गोनायल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड ऑलरेडी हो चुका है, हिंदुस्तान पैन इंडिया पूरे भारत में फ्लोर क्लीनर के नाम पर कोई देसी विदेशी कंपनी, कोई किसी के पास ब्रांड नहीं, वो अकेला हमारा गोनायल ब्रांड है जो फिनाइल को रिप्लेस कर रहा है, बहुत बड़ा, उसका मार्जिन करेक्शन भी, सब चीज़ें ले ली गई हैं। तो इतना बड़ा, अब हम लोग एक एक चीज़ को ड्राइव करें, हमारा ये अब इस समय मैं मार्केट शेयर की बात कर रहा था, हम हर चीज़ के अंदर अभी हम 50% से 75% मार्केट शेयर ले सकते हैं शिशु केयर में, क्योंकि 2,700 करोड़ का जुर्माना ऑलरेडी लग चुका है इसके ऊपर, जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर एक लेडी ने लगाया और उसको कैंसर हो गया। जब एक एडल्ट को, एक बड़ी उम्र वाली महिला को कैंसर हो सकता है, तो छोटे बच्चों की बॉडी पर कोई अप्लाई नहीं करना चाहता ये जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स। हमारा इतना जबरदस्त इसका पैकेजिंग है, इतना जबरदस्त उनकी क्वालिटी है, इतना जबरदस्त हमने एड कैंपेन बनाया, और हम लोग प्रोडक्ट को लेकर के ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारी कमजोरी है ना, लेकर के चलना तो पड़ेगा, इतने तो काम करना पड़ेगा। मैं कह रहा था मार्केट शेयर में हम शिशु केयर में 75% तक शेयर ले सकते हैं, ये जो है पूरे देश में आज से 2-3 साल पहले तक क्या चला करता था डिशवाश के तौर पर, बिम और एक एक्सपर्ट और
बिम्बार जो भी है कुछ भी चला करता था। आज माउथ पब्लिसिटी, ये दो ब्रांड तो हमारे ऐसे थे, एलोवेरा और ये डिशवास, जिसकी माउथ पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हुई। अब एलोवे जो है इसका चाहे वो टिकिया है, अब तो टब भी आ गया है, और अब इसका दो तरह का, ये एक जेल में और एक लिक्विड भी आ गया है। और इसमें भी पहली बार डिशवास में नया इनोवेशन, मैंने कहा था ना इनोवेशन और वैल्यू एडिशन दो शब्द बोले जाते हैं, अब इसमें हमने ये लॉक लगाया, इसको ऐसे हाथ से खुल जाता है ऐसे ही, और ऐसे लग जाता है ये, जब इसको खोलने के बाद, ऐसे खोलने के बाद और फिर हल्का सा दबाते तो यहाँ इसकी सरफेस पर आ जाता है, फिर इसको बंद कर देते हैं, ख़त्म। लोग बर्तन साफ करने के लिए बाद में लेकर के आएंगे, पहले देखने के लिए जरूर लेके आएंगे कि बाबा जी ने क्या बनवाया है। तो लोगों को चाम होता है नई नई चीज़ का, तो एक नया इनोवेशन है। सारी चीज़ें दंत कांति के बाद ये सारी की सारी हमारी ब्रशेस, और ये भी विदेशी कंपनियों से सस्ते, और इसमें सारे, फिर अभी तो एक चीज़ बची हुई थी पतंजलि में, वो नहीं बन रहा था, टॉयलेट क्लीनर, उसमें हार्पिक घुसा हुआ था, ये विदेशी चीज़ थी। तो एक दिन दो साल पहले एक माँ ने मुझे कनखल में बोला, बाबा सब कुछ तो बना दिया, वो टॉयलेट क्लीनर नहीं बनाया, खाने पीने के भी बना दिए सब सामान, घी तेल आटा नमक सब कुछ, लेकिन वो एक चीज़ टॉयलेट में विदेशी घुसी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, माता कर देंगे काम उसका भी। तो अभी इसका एड कैंपेन भी बहुत ज़बरदस्त बनाया है, नीनी टोपी वाले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से घर से भगाया है। तो ये ग्रीन प्लस भी, ये तीन तो मैंने अभी डिवीज़न के बारे में यहाँ बताया, अभी पांच डिवीज़न हमारी इधर बाईं तरफ है, ये पहली हमारी फिजिकल, एक एक डिवीज़न चाहे वो मैंने कहा पर्सनल केयर थी या होम केयर है या फिजिकल, ऑयल एंड घी है, फ्लोर एंड शुगर है, जूस एंड बेवरेजेस है, बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी है, राइस स्पाइस एंड पल्सेस, ये एक एक वर्टिकल की, जिसको एक मार्केट साइज आप लोग शब्द प्रयोग करते हो ना, तो मार्केट साइज कितना है इसका, इन्हीं में ये विदेशी चीज़, देखो क्या होता है, आम आदमी तो पता नहीं होता है कि मार्केट साइज क्या है, कैसी चीज़ें ड्राइव होती हैं। अब मैंने जब पहली बार हिंदुस्तान में बोला कि चीन हमारे 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके बैठा है, तो बहुत लोग सोचते थे बाबा का दिमाग खराब हो गया, तो 20 लाख करोड़ तो हमारे कुल इकोनॉमी का 20% होता है, तो कहाँ कब्जा करके बैठा है। तो बाद में जब हमने लोगों को बताया कि तेरे ऊपर से नीचे तक जो कुछ हो रहा है ना, ये साबुन शैम्पू टूथपेस्ट के केमिकल से लेकर के शरीर पर कपड़े पहने जाने वाले कपड़ों से लेकर के घड़ी मोबाइल खिलौने से लेकर के देवी देवताओं के चित्र और पूजा सामग्री से लेकर के हमारे त्योहारों पर लगवाने लाइट से लेकर के और उन पर जो है यूज होने वाले कलर से लेकर के और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारी गाड़ी में जो चीज़ें लगती हैं उनके, चाहे गाड़ी का नाम किसी भी देश का ब्रांड हो, उसके अंदर लगने वाले सारे इंटीरियर से लेकर के सारे जो है उनके अलग अलग पुर्जों से लेकर के घर के फर्नीचर से लेकर के टॉयलेट की जो है आपके घर की टाइल से लेकर के फर्नीचर से लेकर के लाइट से लेकर के हर चीज़ के अंदर, अपने घरों के अंदर प्रयोग होने वाली शाक सब्जियों और फलों से लेकर के, फलों के अंदर भी जो जूस बिकते हैं, तो चाहे वो टमाटर टमाटो कैचअप बिकती है या जो है एप्पल बिकता का जूस बिकता है या गोवावा का अमरूद का जूस बिकता है, तो उस सब के अंदर जो पल्प से लेकर के मतलब किस चीज़ के अंदर चाइना नहीं घुसा हुआ था, तब लोगों को पता लगा अरे 20 लाख करोड़ ये तो हमारे ऊपर कब्जा ही करके बैठ गया, ऐसे देश में घुस गए जड़ों में, हम लोग इतने सब कुछ समर्थ हो करके और ऐसे ही बस बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठना। ये एक एक मार्केट, अब देखो ये 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट तो ये तेल का और घी का है, अब इसमें सारे तेल आ गए हैं, अभी खाली दो तेल आने और बाकी हैं, एक तिल का तेल वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा और एक कपासिया का तेल जिसको कॉटन सीड ऑयल बोलते हैं, वो इधर महाराष्ट्र में मुंबई में और गुजरात में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, थोड़ा थोड़ा अन्य भी जगह, क्योंकि अब जो हेल्दी नमकीन बनती है कपासिया में, नमकीन दो ही चीज़ों में बहुत अच्छी बनती है, या तो कपासिया का तेल या फिर पाम ऑयल, पाम ऑयल आधे रेट से, अब जो पाम ऑयल में जो नमकीन बनती है वो 40 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये किलो बिकेगी, और जो कपासिया में बिकेगी वो 200 रुपये किलो बिकेगी, ये अंतर, इतना अंतर आ जाता है। हमने पहली बार, आगे नमकीन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कॉटन सीड ऑयल में नमकीन बनाना शुरू किया, पाम ऑयल में नहीं, चीज़ों हमने जो है पाम ऑयल में बनते थे नूडल, हमने राइस ब्रांड में बनाना शुरू किया, जिसको कहते हैं नया इनोवेशन जो है वैल्यू एडिशन, और फिर प्राइस से लेकर के क्वालिटी से लेकर के हर चीज़ को, तीन चीज़ें तो हमारी सब प्रोडक्ट्स में हैं,
एक, हमने नेचुरल चीजों का इंपोर्ट किया है, जैसे तेल था केमिकली रिफाइंड होता था, हमने कैसे किया फिजिकली रिफाइंड। एमआरपी, सरसों का तेल का एमआरपी इस समय भी देश की पतंजलि के टक्कर में, यदि कोई दूसरी कंपनी खड़ी है तो दो ही कंपनियां खड़ी हैं, एक तो विशुद्ध विदेशी है जिसका नाम है कारगिल, उसका नेचर फ्रेश आदि ब्रांड है, और दूसरा अडानी विलमार, ये विलमार भी विदेशी है, ये वर्ण शंकर है, वर्ण शंकर समझते हो ना, जो आधा हिंदुस्तानी हो और आधा इटालियन हो, मतलब जो दो ब्रीड को एक जगह मिला दे, तो ये अडानी भी वर्ण शंकर हो गया है, और वर्ण शंकर से विनाश होता है, ये गीता का उपदेश है, बाकी देश ही देख लेगा बाद में। तो ये इसमें मैं बात ये कह रहा था कि अब जैसे हर एक चीज, चाहे वो फूड है चाहे नॉन फूड है, हमने उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को, प्रकृति को, आयुर्वेद को, उसको इंपुट किया, ये हमारी ये यूनिकनेस है, ये एक यूनिक चीज है हमारी, वैल्यू एडिशन कहो उसको, इनोवेशन कहो, कुछ भी कहो। एमआरपी, सरसों के तेल की एमआरपी इस समय भी अडानी की 160 के आसपास चल रही होगी, 150 60 70 इसके हेरफेर में चलती है। पतंजलि की एमआरपी क्या है सरसों के तेल की, एक और पाउच में 110 115, कितना अंतर हो गया, 50 रुपए किलो का अंतर हो गया, कैसे लूटते हैं फिर मार्केट अपनी मर्जी से, बोले जिसकी जितनी मर्जी है उतना लूट लो। मैं आज इस बात को कह रहा हूं, हम मार्केट में नया ट्रेंड स्थापित करते हैं, हमने सरसों के तेल को एमआरपी पर बेचना सिखा दिया है, और सारे अब ये एडिबल ऑयल ये एमआरपी पर हिंदुस्तान में बिकेंगे और ग्राहक लूटने से बचेगा। ये नई फिलॉसफी, नए प्रिंसिपल्स, नए आइडियोलॉजी, नए चीजों को ड्राइव करना, ये ताकत है पतंजलि के अंदर, और इससे लोगों का फायदा। फिजिकल रिफाइंड ऑयल क्यों बनाया हमने, पहले तो हम खाली नेचुरल ऑयल्स उसी को हम प्रेशर देते थे, फिर हमने कहा चलो कुछ चीजों का, देश इतना बड़ा है तो उसमें रिफाइंड ऑयल भी जरूरत है इस देश की, तो हमने उसको फिजिकली रिफाइंड किया, जिससे कि इसके नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खराब ना हो, इसके लिए। फिर अब ये सारे तेल जो आप देख रहे हैं, राइस ब्रांड से लेकर के सोयाबीन से लेकर के सनफ्लावर, और अभी मूंगफली भी आ चुका है, बहुत जल्दी ही मैंने कहा ग्राउंड नट के बाद अब वो भी आ जाएगा, कॉटन सीड भी आ जाएगा, तिल वाला भी आ जाएगा, और ये आ चुका है ये हमारा इसका नारियल का तेल, तो पाउच में भी आ चुका है, बोतल में भी, और ये वर्जिन क्वालिटी का है। ये मनहास जी बोले मैं कभी जो है ना वो तेल जो है ना नारियल का तेल नहीं लगा सकता था, एलर्जी हो जाती थी मेरे बालों में, पहले मैं लगाता था तो एलर्जी हो जाती थी तो लगाते ही नहीं थे। पतंजलि वाला जो नॉर्मल वाला है ना कोकोनट हेयर ऑयल, वाइट बोतल वाला जो उधर रखा होम केयर में, पर्सनल केयर में, वो वाला लगाते थे पहले, क्योंकि केशकांति के हमारे सारे तेल में केशकांति हेयर ऑयल, फिर आंवला हेयर ऑयल, फिर उसमें जो है वो एलमंड वाला भी है, और सारे उसमें वो वाला लगाते थे। अब ये उससे यदि हम बात करें तो कई गुना ज़्यादा क्वालिटी वाला है, ये कच्चे वो पके हुए नारियल को क्रश करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल ऑयल है वो, उसमें कोई कोई केमिकल का और कुछ, जैसे सरसों का तेल निकलता है कच्चे घाने का, तो वो कच्ची घानी उसके लिए शब्द प्रयोग है, ये कच्चे घाने का नारियल तेल वैसे ही निकलता है नेचुरल, लेकिन ये पके हुए नारियल से नहीं निकलता, ये कच्चे नारियल जो खाते हो ना आप खोपरा, कच्चे नारियल को लेकर के और उसको मथते हैं दही की तरह, और फिर उससे तेल निकालते हैं, ये वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल है, ये थायराइड के लिए, ये आइज के लिए, ये बालों के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, माने 7 दिन में तो चेहरे पर चमक आ जाएगी, और 1 महीने भर खा लिया तो पूरे शरीर में चमक आ जाएगी, और साल भर खा लिया तो जिंदगी भर चमक बरकरार रहे। ये पूरी दुनिया में इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, इतना ज़बरदस्त है, तो ये आपके लिए उपहार है, ये एक तो ये खाने के लिए है और ये दूसरा लगाने के लिए है। तो ये 1 चम्मच तुमको भी खाना है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट पिया करो इसका, लंबी आयु रहेगी, क्योंकि अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, 50 साल तक तो मेरे साथ रहना है तुमको। ये सारे के सारे, अब इसमें 1 लीटर 5 लीटर और 15 लीटर, अभी हम 15 लीटर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन आप बल्क पैक को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे ड्राइव कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इसमें आगे पतंजलि जाने वाला है सारी इंडस्ट्री। मैंने कहा करीब 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख की तेल की, 50,000 करोड़ की घी की, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, अपना गाय का घी, गाय के घी का ब्रांड ही पहली बार पतंजलि ने एस्टेब्लिश किया, नहीं तो इसमें कैरोटीन होता है जिससे इसमें पीलापन होता है, वो आँखों के लिए और आयु बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है,
लोग गाय के घी को उसका वो पीलापन अलग करके उसको भैंस का घी करके बेचा करते थे, ये किया करते थे। हमने गाय के घी का ब्रांड ही नहीं बनाया, पिछले बार पतंजलि ने 1400 करोड़ रुपए का ये ब्रांड किया, 1400 करोड़। और इस बार अकेले घी तेल इतना बड़ा है, ये तो 20,000, कुछ लोग कहते हैं 1,00,000 करोड़ कैसे होगा। मैंने कहा सारा हिसाब किताब अभी नहीं बताता, लेकिन तुमको बता देता, एक एक ब्रांड में इतनी पावर है अकेला। अरे 20,000 करोड़ तो हम खाली तेल में कर देंगे, जिस 20,000 करोड़ का भी बहुत बड़ा आप टारगेट मान करके बैठे हो। अपने दिमाग की परतें खोलो कि किस तरह से इन चीजों को ड्राइव करना है। जो फिजिकल ऑयल एंड घी लेकर के बैठा है उसका तहसील में 25 लाख, और यदि मेन सिटी के अंदर बैठा है तो 50 लाख से 1 करोड़ का तो अकेला इस वर्टिकल का उसका टर्नओवर आना चाहिए। इसको कहते हैं काम करना। बाकी तो पतंजलि को जो है आप यदि लेकर के बैठे और इसमें परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये तो पतंजलि के साथ और आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। ऐसी ये चीज है, इसके अंदर जो है जितने भी आटा हैं, अब इसमें आटा दलिया, फिर इसमें मेसी दलिया, शरबती आटा, फिर डायबिटिक आटा, मेथी आटा, मेसी आटा, ये सब मिला करके, बेसन भी दो तरह का, फिर बूरा पापड़, अभी बहुत जल्दी अब क्योंकि बहुत दिनों से मधुरम नहीं चल रहा था, इसमें पोहा और सूजी भी आने वाला है, ये ओट्स तो आगे रहेगा, नमक है इसके अंदर। ये अकेला आटा आटा अपने आप में 2,00,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, पैकिंग में, बाकी लोग अपने घरों में पीस करके खाते हैं वाला गए। ये 2,00,000 करोड़ रुपए के मार्केट साइज है इनका, जो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज हो, इतने बड़े बड़े ब्रांड लेकर के बैठे हैं। अभी बेसन भी दो तरह का आ जाएगा, अभी इसी तरह से जूसेज एंड नेचुरल बेवरेजेस, इसमें ये तो बड़े ब्रांड हैं हमारे, च्यवनप्राश है, हनी है, पावर वीटा है, ये जो जड़ी बूटियों के जूसेज हैं, सब प्रकार के ये इसमें दवाइयाँ हैं, ये सारे चूर्ण हैं, अभी इसमें 2 चूर्ण और डाल दिए हैं, अभी इसके अंदर शुद्धि चूर्ण, गैसर चूर्ण, इनको पूरी कैंपेन चल रही है इसके अंदर। मैंने कहा ये पावर वीटा से लेकर के घी और च्यवनप्राश से लेकर के फिर सारे जूसेज, फिर मेडिकेटेड जूसेज, इसके अंदर आंवला एलोवेरा का जूस, ये सब मिला करके एक एक ब्रांड। फिर हम बिस्किट के ऊपर आते हैं तो बिस्किट ही 20 तरह के हमारे, अब ये नमकीन आ गई कि यहाँ शुरू हो गई, डिस्पैच होना शुरू हो गया है, अभी 20 तरह की नमकीन मिलेंगी आपको। ये सुपर फूड बोला जाता है किनोवा, ये पहले विदेशों से आया करता था, अब राजस्थान सरकार ने इसमें प्रयास किया और वहां के किसान मेरे पास में कम से कम 20 बार आ लिए होंगे, बाबा जी हमारा ये किनोवा नहीं बिक रहा। तो किनोवा का अभी दलिया, इसका आटा और इसकी नमकीन, अब ये किनोवा की जो नमकीन है ना, देखो ये कश्मीरा के तो बाल भी ऐसे हैं, इसके बाल जो है इतने बड़े बाल भी शायद किसी लेडी के हिंदुस्तान में होंगे। ये हमारी बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, तो लगता है इसी को केश कांति का ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा। रोज लगाती है केश कांति शैम्पू लगाती है। देखो ये दो तरह का है, एक इसमें मसाला है और इसमें टमाटो है, ये बाजरे जैसा लगता है देखने में। इधर हाथ कर ले तेरे को, पहले बहनों से शुरू करते ना, जिसको कहते हैं ना किनोवा, ये सुपर फूड माना जाता है। इसकी दो तरह की नमकीन है ये, फिर इसके साथ साथ में इसके अंदर सब तरह से मिक्स भी है, इसके अंदर जो है वो जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे यहाँ वो उसके बीज आते हैं ना, कद्दू के बीज आते हैं और क्या बोलते हैं उसको, फ्लैक्स सीड भी आते हैं, तो अलसी के बीज, उन सब की भी नमकीन है। तो नमकीन में अभी खाली मूंग दाल और चना दाल आती थी, अभी आपके पास में सोयाबीन की और ये है रोस्टेड डाइट नमकीन। बाकी नमकीन के अंदर कितना तेल होता है करीब, बाकी नमकीन के अंदर तेल होता है करीब 30%, कितना, और इसमें होता है 0.5 से लेकर के मुश्किल से 2-2.5%। खाली उसको हल्का सा वो दिखाते हैं तेल, मतलब जिससे कि थोड़ी सिकाई हो जाए इसके, रोस्टेड डाइट नमकीन। अब आज हेल्थ कॉन्शियस हो गया आदमी, इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और जिनके पास परचेजिंग पावर भी है, थोड़ा महंगा तो पड़ता है लेकिन ये विदेशी कंपनियों से हमने सस्ता लॉन्च किया है। और ये डाइट नमकीन, फिर ये मूंग की दाल और ये सारे नमकीन, सारे तरह के बिस्किट डाइट, अभी बिस्किट में भी और नई वैरायटी भी आ गई, बाजरा भी आने वाला आ गया और ओट्स वाला भी आने वाला है। अब ये तो डाइजेस्टिव तो चल ही रहा, अपने जैसा डाइजेस्टिव बिस्किट किसी कंपनी का नहीं है। बाकी इसमें सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, इसमें ओट्स और ये सारी चीज़ें, फिर नूडल, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, इसके अंदर जो है गुलाब जामुन और सब एक
200 से लेकर के आधा से लेकर के 1 किलो तक। अब ये तीन विदेशी कंपनियां बड़ी, एक है नेस्ले, दूसरी हैंस, तीसरी है किसान, ये तीनों विदेशी ब्रांड। देसी ब्रांड बताओ कोई है हिंदुस्तान में? वो बेचते हैं सारे 100 से लेकर के 105 110 रुपए तक, 100 से 110 उनका प्राइस है, और पतंजलि का कितना है? 70 रुपए। मैंने कह रहा था ना क्वालिटी से लेकर के उनसे ज्यादा बेटर है। वो ज्यादातर जो है चीन से लेकर के इधर उधर और बकवासबाजी, और उसमें करीब 30% कद्दू मिला देते। अपना प्योर है, 100% नेचुरल है, उनसे कम उसकी प्राइस है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो मसाले हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छे, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो हर चीज़ मुरब्बा से लेकर के अभी सारे ये जो है अचार से लेकर के, अभी दो तरह के अचार हम देते थे जो हेल्दी अचार होते हैं, आंवला और नींबू का। अभी इसके अंदर मिक्स अचार और जो है कई तरह के अदरक का अचार, लिसोड़ा का अचार, थोड़ा बहुत होगा तो टीट का भी बाद में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मारवाड़ी जहाँ होता है देश विदेश में टीट जरूर खाता है, आदत है उनको। तो ये जो है अभी पाइनएप्पल से लेकर के मिक्स फ्रूट जैम से लेकर के फ्रूट जैम, इतना बड़ा वर्टिकल, एक एक वर्टिकल कोई 50,000 करोड़ से कम का